वो मेरा अमेरिका से आएगा, मेरे को एससी का लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंडिया में अभी डुप्लीकेट मिल रहा है। इसका जो इतना पार्ट है वो स्टील का मिल रहा है, मैं टाइटेनियम का जा रहा हूँ और टाइटेनियम का मैंने पूरा सर्च माला। हो सकता है मेरे को इंडोनेशिया या दुबई जाना पड़े पैरों को एग्जॉस्ट को लेने, खुद बिना एग्जॉस्ट के देखते हैं क्या रिएक्शन मिल पाते हैं, क्या सिर्फ एग्जॉस्ट से ही रिएक्शन मिलते हैं, गाड़ी की भी कोई फेस वैल्यू वगैरह होती। तो चलते हैं, मिलते हैं मार्केट में। बड़े मुश्किल से गर्मी से निपटाऊं, टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं। तो घर पे बैठा हुआ था, मैंने सोचा यार क्या करूँ, कुछ मॉडिफिकेशन ही करा लो। तब तक यहाँ पर प्रो राइडर 1000 के स्टिकर्स बेस्ट फाउंड में, और ये हमने लगा दिया 360। ठीक है जी, ढीला छोड़ रखा है इसमें, मैं कर दूंगा टाइट अभी। और अभी क्या है इसका, देखो सब कुछ मैक्सिमम 90% इसका सामान आ चुका है, सिर्फ हमें स्लिप ऑन नहीं मिल रहा एरो का। तो मैंने इसके लिए टाइटेनियम हेडर्स जो आ चुके हैं अगस्त के रूम में पड़े हुए हैं, और पिछले वीडियो में मैंने देखा कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रखे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे कि अंकल प्लीज़ आप इसमें एरो का एग्जॉस्ट लगाओ। तो मैं अभी दिमाग में सोच रहा हूँ कि एरो का टाइटेनियम फुल टाइटेनियम सिस्टम लगाऊँ या एक्रोपॉविक का लगाऊँ या एससी का लगाऊँ, जैसा सेम उसमें लगाऊँ। लेकिन वो मेरा अमेरिका से आएगा, मेरे को एससी का लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंडिया में अभी डुप्लीकेट मिल रहा है। एरो में भी शिकायत आ रही है कि उसका जो इतना पार्ट है वो स्टील का मिल रहा है, मैं टाइटेनियम का जा रहा हूँ और टाइटेनियम का मैंने पूरा सर्च माला। हो सकता है मेरे को इंडोनेशिया या दुबई जाना पड़े उस एरो को एग्जॉस्ट को लेने, खुद मैं डुप्लीकेट नहीं लगाऊंगा, ना मैं लगाना चाहूँगा। और अभी छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए आपके लिए पब्लिक रिएक्शन मार्केट में जा रहा हूँ, बिना एग्जॉस्ट के देखते हैं क्या रिएक्शन मिल पाते हैं, क्या सिर्फ एग्जॉस्ट से ही रिएक्शन मिलते हैं, गाड़ी की भी कोई फेस वैल्यू वगैरह होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं मार्केट में। आइए मैं आपको कोल्ड स्टार्ट सुनाता हूँ। आज बिल्कुल साइलेंट चल रहा हूँ, साइलेंट क्या साइलेंट ही है। तो जब तक एग्जॉस्ट नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते रे ब्रदर्स। खतरनाक ब्रेकिंग है भाई, तो स्टॉप ही मार देगी एकदम ही, एकदम ही स्टॉप ही मार देगी। बहुत पावरफुल बाइक है भाई, इसे तो एग्जॉस्ट के साथ ही चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता तो लग जाए कि पीछे गाड़ी है। आइए प्लेन रोड में आपका स्वागत है, प्लेन रोड में स्वागत है, स्वागत फर्स्ट ऑफ रोड। इधर को ले ले भाई थोड़ा सा, यह जी स्मूथ रोड हमारी, बिल्कुल स्मूथ रोड। ओ भाई, अरे आंटी जी चलिए और रोड बनानी पड़ेगी हमारे को चलिए आंटी जी। अबे अबे भाई अभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा है स्प्लेंडर जैसी आवाज़ आ रही है, रे जगह दे थोड़ी सी थोड़ी सी जगह दे दे। निकल जाएगी, निकल जाएगी लेकिन बगैर एग्जॉस्ट के टूटू करके हॉर्न बजाना पड़ेगा पब्लिक के लिए कि भैया जगह दे दे, जगह ओ भैया जगह दे दे, जगह ये बोलना पड़ेगा। हॉर्न सुनाओ इसका। छोटे बच्चे के साथ टूटू। एग्जॉस्ट तो मांग रही है गाड़ी। पब्लिक रिएक्शन तो ऐसा ना, बहुत ही बढ़िया रिएक्शंस मिल रहे हैं, तबाही वाले रिएक्शन, खूबसूरत रिएक्शन भी मिल रहे हैं साथ साथ। लेकिन एग्जॉस्ट की थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हो रही। फिर उधर रिएक्शन तो भाई वाले मिल गए, बढ़िया। गर्म है। ये लगा दिया हमने प्रो राइडर 1000 इंस्टाग्राम, और इधर आइए आप लेफ़्ट साइड में हमने लगा दिया है प्रो राइडर 1000 यूट्यूब चैनल का स्पॉट। और ये खड़ी है गाड़ी यहाँ से, देखो। अभी तो इसकी मॉडिफिकेशन चालू होगी, बाकी सामान इसका सब कुछ आ गया, हेडर्स आ गया, सिर्फ एग्जॉस्ट आना बाकी है। अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, लगाऊंगा ओरिजिनल, डुप्लीकेट का तो मतलब ही नहीं बैठता। नंबर भी इसका मैं अभी देखो अप्लाई करूंगा, पेपर इसके अभी आ गए हैं, बंदा गेट पे खड़ा हुआ है, जस्ट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। एग्जॉस्ट तो ऐसा लगाएंगे कि तबीयत हमारी भी हरी भरी हो जाए और जो चिड़ते हैं उनकी भी हरी भरी हो जाए। ये लीजिए आपकी BMW S1000RR Pro। तो फ्रेंड्स अबे रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। अभी इसकी यही मिनिमम आवाज है। अभी क्या हो रहा है कि बिना एग्जॉस्ट के ना किसी को ये भी नहीं पता लग रहा कि बगल में BMW चल रही है या जॉन चल रहा है या प्रो राइडर 1000 चल रहा है। बत्ती बद्दू बत्ती कौन सा गाना है वो, मौका मिले कभी कभी। ओए किधर को जा रहा है रे? मोड़ ले भाई। अगस्ते स्टिकर बना के लाया बेटा।